उत्तर प्रदेश के देवरिया में 10 साल की लड़की ने लिजलिजी व्यवस्था को बेपर्द कर दिया। शहर के मां विंध्यवासिनी शेल्टर होम में लड़कियों के शोषण पर पड़े सिस्टम के पर्दे को 10 साल की एक लड़की ने एक झटके में खींच दिया। यहां बड़ी संख्या में लड़कियों का यौन शोषण हो रहा था और तमाम सूचनाओं के बावजूद सिस्टम सो रहा था। इस 10 साल की लड़की को सलाम कीजिए। लक्ष्मी को पूजिए, दुर्गा को पूजिए, सरस्वती को पूजिए, पार्वती को पूजिए, पूजिए क्योंकि ये एक धर्म पारायण देश है। देवियों के पास धन का, शक्ति का, विद्या का आशीर्वाद है, इसलिए पूजिए। देवियों के देश में बेटियों की लूट मची है, इस लूट पर भी खामोश मत रहिए, वरना आपकी देवियां आपको आशीर्वाद देने से कतराने लगेंगी। प्रियंका दीदी बाहर जाती थी, भाई गाड़ी में ले जाती थी, नहीं जाने कहती इतने का बन के जिसे ले जाया जाता है, सफेद कार आती है। हम काम करते थे। क्या काम करते? झाड़ू पोछा, बर्तन धोने से मारते। इस दर्द को महसूस कीजिए, इन आंसुओं के समंदर में समाइए, इस हिम्मत का साथ दीजिए, वरना आपकी बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। प्रियंका दीदी बाहर जाती थी, भाई बड़ी में ले जाती थी, नहीं जाने कहती इतने का बन के जिसे ले जाया जाता है, सफेद कार आती है। हम काम करते थे। क्या काम करते? झाड़ू पोछा, बर्तन धोने से मारते। कल बिहार का मुजफ्फरपुर था, आप चुप रहे क्योंकि आपको लगा कि वो दूसरे शहर का किस्सा है। आज यूपी का देवरिया है, कल कोई और शहर होगा, कुछ और बेटियां होंगी। आपकी चुप्पी नहीं टूटी तो ये बेटियां कल किसी और का हिस्सा होंगी। प्रियंका दीदी बाहर जाती थी, भाई बड़ी में ले जाती थी, नहीं जाने कहती इतने का बन के जिसे ले जाया जाता है, सफेद कार आती है। हम काम करते थे। क्या काम करते? झाड़ू पोछा, बर्तन धोने से मारते थे। कल ये बेटी किसी और की बेटी हो सकती है, कल ये खबर किसी और परिवार का दर्द हो सकता है। आपकी चुप्पी नहीं टूटी तो खामोशी का ये अंधेरा कल आप में से किसी के भी घर को अपने आगोश में ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं नेताओं की, सोशल एक्टिविस्ट की प्रतिक्रियाएं देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से तत्काल वहां के जिलाधिकारी को जो है वो हटा दिया गया है और जांच के लिए सुजीत कुमार जिलाधिकारी जी को वहां से हटा दिया गया है। पूर्व डीपीओ अभिषेक पांडे इनको सस्पेंड किया गया क्योंकि 6 महीने ये थे, मुझे डीपीओ का पद मालूम था जो पूर्व में थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तत्काल 2 सदस्यीय जांच कमेटी, हाई लेवल कमेटी भेजी है, उसमें रेणुका कुमार जी जो कि महिला एवं बाल कल्याण की अपर मुख्य सचिव हैं वो भेजी गई हैं, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंजू गुप्ता जी भेजी गई हैं। अंजू गुप्ता एडीजी महिला की है ना, लॉ एंड ऑर्डर की। योगी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी इस तरीके के मामले में और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम तो मांग करते हैं कि इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा है दुष्कर्मियों को बचाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत माहिर हैं, कहीं न कहीं बचा ही लेंगे उनको। तो इस मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए और दोषियों को कम से कम फांसी होनी चाहिए इस मामले में। जब तक हमारे एमपीज और एमएलएज ये संभाले ना, तब तक मैं यकीनन से बोल सकती हूँ कि मुजफ्फरपुर और देवरिया तो केवल 2 जगह है, अब आप देखते जाइए कहाँ कहाँ क्या निकलता है। हम लोगों ने इनको अकेला छोड़ दिया, पैसे हम भेजते हैं, स्टेट कभी देखता नहीं है। फिर 559 स्वाधार गृह हैं, उसमें मुझे डर लग रहा है कि क्या मिलेगा। इससे अच्छा हम एक बड़ी जगह बनाएं बच्चों के लिए,
एक बड़ी जगह बनाए औरतों के लिए और बहुत आदर सत्कार श्रद्धा के साथ उनको चलाए। आज भी मैं यही बोल रही हूं। मैं आज मेनका गांधी के बयान में दर्द महसूस कर रहा हूं। पैसे हम भेजते हैं, स्टेट देखता नहीं। स्टेट का मतलब आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। मेनका विपक्ष में नहीं है, मेनका विरोधी नहीं है, मेनका कोई सांसद भी नहीं है, मेनका सरकार का हिस्सा है। मेनका गांधी मंत्री है, मंत्री मतलब सरकार होना, और सरकार कह रही है कि स्टेट देखता नहीं है। अब आप इस मुद्दे पर मत जाइए कि सपा तो आरोप लगाती है, कांग्रेस तो आरोप लगाती है। केंद्र सरकार का मंत्री ये कह रहा है कि हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, हम बस पैसे भेज देते हैं, उन्हें देखता कोई नहीं है। अब कलराज मिश्रा जी को सुनते हैं, लोकल एमपी हैं, जहां ये घटना हुई है देवरिया कांड के बाद, वो लोकल जो सांसद हैं कलराज मिश्रा, उनका बयान सुनिए। ये जो घटना घटित हुई है, इस लड़की ने जिस तरह से पुलिस को सारी बातें बताई है, इस पर तत्काल उन दोनों को, पति पत्नी जो ये चला रहे थे संस्थाएं, इनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के जो भी इससे संबंधित हैं उनके बारे में बात चल रही है, और इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने तत्काल एक्शन लिया है और स्वयं मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी तुरंत वहां भेजी है। अब ये सारा जांच करने के पश्चात सारी चीजें उभर करके आ जाएंगी, और जो भी इससे संबंधित होंगे उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आईपी सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जगदेव सिंह यादव जी हैं, और कांग्रेस की तरफ से ओमकार नाथ सिंह जी हैं, पूर्व आईएएस कैप्टन एसके द्विवेदी जी हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर किशोर मालवीय जी हैं। आप सारे लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आईपी सिंह जी, आप ही से शुरू करेंगे। मेनका गांधी जी कह रही हैं हमने अकेला छोड़ दिया, हम बस पैसे भेजते हैं, स्टेट उन्हें देखता नहीं है। अब एक विपक्ष का आरोप नहीं है साहब, केंद्र सरकार के एक मंत्री का दर्द इस घटना के बाद सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल असित जी, जिस तरह से उनकी पीड़ा उन्होंने बयां की, अगर देखा जाए तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, जिस तरह के जो शेल्टर होम बनाए गए हैं पूरे देश में, व्यक्तिगत रूप में भी शेल्टर होम चलाए जाते हैं, एनजीओ के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, सरकार भी उन्हें संरक्षण देती है, उन्हें अपना बजट देती है, लेकिन जिस तरह की बर्बरता समाज के सामने आई है, चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे वो देवरिया में जो 10 साल की उस मासूम ने जो बताई है, इस तरह के पूरे देश में जितने भी सेंटर्स होम है, कहीं ना कहीं जो उनके सुझाव आए हैं उन सुझावों पर सरकार को अमल करना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, और इन सभी छोटे छोटे सेंटर होम से उन बच्चियों के या महिलाओं के लिए जब तक जो जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में बात नहीं रहती है, विधायक सांसदों के संज्ञान में नहीं रहती है, डीएम और कप्तान या जिले के जो अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, लिवरेज नहीं मिलना चाहिए, जहां भी ये सेल्टर होम हो उन्हें कैमरों से लैस करना चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ निश्चित रूप से उसने झकझोर कर रख दिया है। ओमकार जी, बेटी का पिता हूं, एक मेरी बहनें भी हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि ये एक पिता के नाते, एक भाई के नाते जब हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ असित जी ये कहना चाहता हूं कि ये दर्दनाक हादसा है, इस पर जो भी दोषी हो, मैं तो विपक्ष से भी आह्वान करूंगा कि अगर ये घटना आज घटी देवरिया में या मुजफ्फरपुर में, तो क्या इसके पीछे की इतिहास को भी खंगालना चाहिए? कौन कौन ऐसे लोग फिर आएंगे आईपी सिंह के बारे में करते रहे और ये घटना आईपी सिंह रही। ओमकार जी के पास चलेंगे। ओमकार नाथ जी, मेनका गांधी जी का दर्द बहुत अलग तरीके से आज दिखा, झलका। उन्होंने कहा कि हमने तमाम सांसदों को कई दफे चिट्ठियां लिखी कि आपके इलाके में अगर कोई शेल्टर होम हो तो आप विजिट करें और वहां के क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, मंत्रालय को बताइए। देखिए, हम किसी पार्टी पर नहीं जाएंगे, सांसद तमाम दलों के हैं, यूपी में भी कांग्रेस के कम से कम 2 सांसद तो हैं ही, समाजवादी पार्टी के भी 5 सांसद हैं,
ठीक है बीजेपी और उसके लाई के ज्यादा हैं, लेकिन आपके भी सांसद हैं साहब, इसलिए आरोप प्रत्यारोपों पर न जाएं। बेटियों का मसला है, हमारे 7 सांसद हैं, 5 नहीं। घर में जाके बेटियों से आंख मिलाने की हिम्मत हो हम सब में, इसलिए इस तरह की चर्चा करें कि हम टोपी ट्रांसफर न करें। साहब वो बता रहे हैं कि किसी ने जवाब नहीं दिया। कलराज मिश्र जी अभी मीडिया के सामने आके बयान दे रहे हैं, कलराज मिश्रा साहब ने भी ना विजिट किया ना जवाब दिया। कलराज मिश्रा साहब चले गए होते, विजिट कर लिया होता, बेटियों से मिल लिए होते, तो साहब कब का खुलासा हो गया होता इसका? तो कोई जिम्मेदार नहीं है क्या? नहीं असित जी, बात आप एकदम सही कह रहे हैं और ये बहुत ही चिंता की बात है, और जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपने क्षेत्र में कम से कम इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन साथ में प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। प्रशासन की जिम्मेदारी जब आप बताइए, आपके पास हर तरह के मुखबिर होते हैं, मोहल्ले में किसी एक घर में अगर 3 दिन कोई गाड़ी लेके आता है तो 10 तरह की बातें होती हैं, और वहां रोज गाड़ी आ रही है, रोज लड़की वहां से जा रही है, रोज सवेरे आ रही है, और किसी को कोई ध्यान नहीं हो रहा, कोई देखे, कोई पता नहीं लग रहा। इसका सीधा मतलब है कि सबको मालूम था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी ताकतें थी जो कि किसी प्रकार काम नहीं होने दे रही। आज रीता जोशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि 24 नोटिसेस जो है वो सर्व की गई थी महिला कल्याण विकास विभाग से, और डीएम ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप बताइए कैसी सरकार है, 24 नोटिस जा रही है और सरकार के आदेश का पालन नहीं जिलाधिकारी कर रहा है, और जिलाधिकारी का खाली तबादला किया जा रहा है। कैप्टन द्विवेदी तो सस्पेंड कर देना चाहिए। कैप्टन द्विवेदी हुए हैं, उसमें एक आदमी 6 महीने पहले वहां से ट्रांसफर हो चुका है, ठीक, एक के पास एडिशनल चार्ज था। कैप्टन एसके द्विवेदी जी असली जिम्मेदार है, जिनके पास सारे ओमकार जी बारी बारी से जवाब लेते रहने दीजिए। ओमकार जी, कैप्टन एसके द्विवेदी जी, ब्यूरोक्रेसी में इतनी हिम्मत आती कहां से है कि वो सरकार की ना सुने? कौन होता है उसके पीठ पर? हाँ ये तो अगेन ये जांच का विषय है, जैसा कि कहा अभी ओंकार नाथ सिंह जी ने। मैं किसी और चैनल पे भी देख रहा था कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि वहां उनको पहले से भी सूचना दी गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है, जैसा कि कहा अभी ओंकार नाथ सिंह जी ने। मैं किसी और चैनल पे भी देख रहा था कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि वहां उनको पहले से भी सूचना दी गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। उससे बड़ी चिंता की बात यह है जो आप कह रहे हैं, मैं ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी लेते हुए बहुत जिम्मेदाराना तरीके से कह रहा हूं कि गत वर्ष मई के महीने में वो बाल संरक्षण गृह और नारी संरक्षण गृह अवैध घोषित कर दिया गया। हाँ, एक प्रोविजन होता है इसका, जिसका हम सब लोग देखते रहे हैं, जिलों में इस पर काम करते रहे हैं, जिलों में इसकी जांचें करते रहे हैं कि अगर वो अवैध घोषित कर दिया गया था तो उसे तत्काल क्यों नहीं बंद करके इन जो वहां के अध्यासी थे उनको अन्यत्र ट्रांसफर किया गया। एक प्रश्न उसमें बाद में आया है, किसी चैनल पर भी देख रहा था तो आ रहा था कि साहब वो हाईकोर्ट से स्टे था। इतना बड़ा हमारे पास हमला है एडवोकेट जनरल स्टे की कोई कॉपी नहीं है सर किसी के पास। मैं बता रहा हूं, मैं सुन ले एक मिनट मेरी बात को। ये एक सिस्टम में इस प्रकार का कैंसर आ गया है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से शर्त कर रहा है। एक फुल फ्लेजेड डीपीओ होता है जनपद में, जिसका काम ही यही होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अफसर कहते हैं हम लोग, जो ये बाल संरक्षण गृह नारी संरक्षण गृह के लिए फुल टाइम होता है, और इसके अलावा जनपद स्तर पर हमारे पास सुधार समितियां होती हैं, बाल संरक्षण समिति होती है, जिसका ये दायित्व है कि प्रति माह उन संरक्षण गृहों को चेक करे, उनमें देखे कि जो अध्यासी रह रहे हैं वो ठीक से रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई गलत चीज तो नहीं हो रही। अरे बाबा राघव दास की एक कर्मस्थली है, देवराहा बाबा की तपस्थली है साहब, योगीराज देवराहा बाबा देवरिया से थे और वहां पर नहीं। मैं जो समझना आपसे चाह रहा था कैप्टन साहब कि भाई इतनी हिम्मत एक ब्यूरोक्रेट्स में आती कहां से है कि वो सरकार की ना सुने। मैं फिर आऊंगा सर आपके पास, जरा जगदेव जी के पास चलेंगे। जगदेव सिंह यादव जी, आप एक वकील भी हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं। मैं बस इतना समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लेकिन क्या हम अंदर ही अंदर खोखला हो चुके हैं? सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है।
देखिए अतीत जी, आप सही कह रहे हैं कि आज शासन प्रशासन की जो स्थिति है, कितना निरंकुश हो गए हैं। वहां के डीएम कहता मैं जाता था और वो मिट्टी का तेल छिड़कने का ड्रामा करती थी और डीएम की हिम्मत नहीं, जिसके बाद सारा शासन है, सत्ता है, पुलिस है, सारी चीजें, वो अभी तक कोई कार्रवाई कर रहा है, कई नोटिस दी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ये एक साल से अवैध रूप से चल रहा था। ये भी देखना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, वैसे किसका संरक्षण था, किस विधायक का, किस मंत्री का, कहां है, कल्लाज मिश्रा जैसे वहां से सांसद हैं। और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। अभी कानपुर में आप देखा, वहां संभाषिनी गढ़ स्वरूप नगर में वहां क्या स्थिति हुई, उसकी हत्या हुई, उसके बाद भी सबक नहीं लिया। यही और ये मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है, देवरिया गोरखपुर तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है और उसके बाद लगातार इतनी हिम्मत बढ़ रही है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि सुनती नहीं और लगातार चेतावनी देते हैं, मैं काली पोत दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये खाली भाषण देने से काम नहीं चलेगा और डराने धमकी देने काम नहीं चलेगा, जमीनी हकीकत से कुछ करना पड़ेगा। ये घटना बड़ी संसार कर देने वाली है और ये सबक भी लेने वाली है कि आगे ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। जितने एनजीओ चलती हैं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार को पैसा मिलता है, उसके बाद इनकी रेगुलर जांच होनी चाहिए, इनका निरीक्षण होना चाहिए कि सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक, किशोर मालवीय जी, बेटियों का सवाल है, कन्याओं का सवाल है, उनके संरक्षण की बात बीजेपी तो सबसे पहले महिला संरक्षण की बात करती है, कहीं बीजेपी का यह अभियान महिला के सम्मान में, बीजेपी मैदान में, उस बीजेपी का हाल है। ये आरोप दूसरों लगाते हैं लेकिन इनकी क्या स्थिति है, इनके कार्यकाल में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री भी जा रहे संज्ञान ले रहे और रीना रीता बोगड़ा जी क्या कर रही थी, उनको जाना ही कार्य। मैं तो समझता हूँ ऐसे मंत्रिमंडल से जो इतने निकम्मे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री जो गलत है उनको हटाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजभर जैसे मंत्री कैबिनेट आते हैं सुबह साफ पानी पी के। ठीक है, ठीक है, वो दूसरा मसला है, लेकिन अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं। निष्क्रिय कमजोर सरकार मैंने आज तक उत्तर प्रदेश में देखी, जितनी कमजोर सरकार आज की तारीख है, खाली गाल बजाने काम नहीं चलेगा। किशोर मालवीय, जमीनी हकीकत करके दिखाने काम चलेगा। ठीक है, जनता समझ रही है ये सिर्फ बतौलेबाजी करते हैं, काम कुछ नहीं करते, इसी का नतीजा आज में ऐसी स्थिति हो रही है। किशोर मालवीय जी, लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारी लगातार चिट्ठियां लिखते रहे, देवरिया के बैठे अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, लखनऊ के बैठे बड़े अधिकारी लगातार नोटिस जारी करते रहे, देवरिया में बैठे अधिकारी ने कोई भाव नहीं दिया। सीएम ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी पहुंचे, जहां जहां भी शेल्टर होम है जितनी जल्दी हो सके पहुंचे, रिपोर्ट करें, हालात का जायजा लें, दो चार डीएम को छोड़ दें, ज्यादातर नहीं गए। महिला बाल कल्याण विभाग की मंत्री मेनका गांधी ने अनुरोध किया तमाम सांसदों से, विधायकों से, कि आपके इलाके में अगर कोई शेल्टर होम हो, वो पिछले दो साल से कर रही है अनुरोध, तो जरा जाइए देखिए और वहां की रिपोर्ट हमें देखिए कि हम स्थिति सुधारें। कोई सांसद विधायक नहीं गया। सर, क्या वाकई हम उस भीड़ में तब्दील हो गए हैं जो गला फाड़ू नारे लगाता है, मुठ्ठियां तानता है और अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला हो चुका है? असित, चाहे मामला मुजफ्फरपुर का हो चाहे देवरिया का हो, इस तरह के वारदात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकते, और खासकर तब जबकि ये लंबे समय से हो रहा हो। लखनऊ से आए, दिल्ली से आए, कहीं से भी कोई पत्र आए, आदेश आए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है लखनऊ से भी लोग मिले हों, ये बिना मिलीभगत के हो ही नहीं सकते। आप देखिए, लोकल सांसद हैं वहां के कलराज मिश्र जी, उनका बयान देखिए, इतना कैजुअल बयान उनका था, वो ऐसा लग रहा था कि वहां के सांसद नहीं, वो पुलिस के प्रवक्ता हैं। अरे भाई साहब, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आप वहां के सांसद हैं, आपको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। आप पुलिस का बयान दे रहे हैं कि हटा दिया गया। अरे किसी द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, क्या किसी डीएम को एक जिले से हटा देना ये कोई सजा है, कोई पनिशमेंट है? आप क्या बात कर रहे हैं कि अब सुबह से उत्तर प्रदेश सरकार ये अचीवमेंट के रूप में गिना रही है कि हमने उनको हटा दिया है? अरे आपने बताया क्यों नहीं, छिपाया क्यों कि नई पोस्टिंग कहां है उनकी, वहां क्या क्या काम करेंगे वो, ये भी तो बताइए। देखिए, ये बिना मिलीभगत के लखनऊ से लेकर देवरिया तक जब तक मिलीभगत ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। और आज भी ये मामला दब जाता, आप इसका बैकग्राउंड देखिए, सीबीआई के जांच के बाद इसको अवैध घोषित किया गया था, उसके बाद पुलिस और अधिकारी गए, उन्होंने दबंगई से इनको खदेड़ दिया, पुलिस को, अधिकारियों को खदेड़ दिया क्या, और ये चलेगा, ये दोबारा नहीं आ सकता, घुसने दिया गेट में, घुसने नहीं दिया, और आप कह रहे हैं तबादला कर दिया गया। देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये एक इन लोगों ने धंधा बना लिया है,
इस जितने भी शेल्टर हैं उनको इन्होंने अय्याशी का अड्डा बना लिया है और इस पे एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ऐसी कार्रवाई आज भी ये नहीं आते सामने, आज भी कोई कार्रवाई नहीं होती। समाचार प्लस ने 4 घंटे सुबह से ऐसा रगड़ा इनको, लोगों के जब फोन आने लगे, लोगों के रिएक्शन आने लगे तो ये दबाव में आए और आनंद फानंद में इन्होंने तबादला किया। लेकिन साहब तबादला कोई सजा नहीं है, निलंबन भी कोई सजा नहीं है। और एक एक आश्चर्य की बात आप ये देखिए, जिसकी सबसे ज्यादा जवाबदेही बनती है महिला कल्याण की प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसको आपने जांच दे दिया, आपने उसी को कहा कि आप जांच करिए, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री को और तमाम सरकार प्रशासन को यह जवाब देना होगा। आईपी सिंह जी, 2017 में इस संस्था को अवैध घोषित किया गया, 2017 में कहा गया कि यहां से लड़कियों को, बच्चों को कहीं और हटाइए, और 2017 से 2018 तक भी, तब जब 10 साल की लड़की सड़क पर उतर गई, नहीं उतरी होती तो आज भी कोई एक्शन नहीं होता साहब, वो उतर गई, किस बात का इंतजार चल रहा था साहब? ये शिथिलता नहीं है क्या? ये सिस्टम की नाकामी नहीं है क्या? लुप्ती बेटियों के प्रति सिस्टम की लापरवाही नहीं है क्या? बिल्कुल असित जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरह से किशोर मालवीय जी ने अपना पक्ष रखा है तो कहीं कहीं ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जिला प्रशासन, कैप्टन द्विवेदी बैठे हुए हैं, आप पीछे अफसर रहे, आप जानते हैं कि जिला प्रशासन अगर निष्क्रिय नहीं रहता तो शायद इस तरह की बर्बरता देखने को नहीं मिलती। सरकार की जिम्मेदारी, जिस रेणुका कुमार की बात आती है, निश्चित तौर से जो मंत्रालय है जिम्मेदारी उनकी बनती है। कार्रवाई सिर्फ सस्पेंशन तक, सिर्फ निलंबन तक नहीं होनी चाहिए। इस बात को हमने भी आज ट्वीट किया कि लखनऊ से लेकर देवरिया तक या इस तरह के जो लापरवाह अफसर है, ये न आईपी सिंह के रिश्तेदार है, न सरकार के, न हमारे रिश्तेदार हैं। अगर इनकी कमी पाई जाती है, गलतियां पाई जाती हैं, तो इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। सर पहले सस्पेंड तो करिए, बर्खास्त करिए। और न्यायालय कौन? आप न्यायालय में से, न्यायालय से भी, हाईकोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिलनी चाहिए। ये अफसर, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये अफसर, इस तरह के एनजीओ चलाने वाले लोग, इनको संरक्षण हाईकोर्ट से मिलता है, उनके वकील मोटी फीस लेते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो इस तरह के मामले हैं, जो संवेदनशील इशू हैं, उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। पूजनीय योगी जी ने मुजफ्फरनगर का हाल कहा के बाद अपनी अपनी पूरी मशीनरी को अलर्ट किया था। अगर इस बात को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय रहता तो शायद ये बात सुनने को नहीं मिलती। सरकार भी सक्रिय रहती तो ये नहीं होता। देखिए, समाज भी सक्रिय होता तो ये नहीं होता। मैं कह रहा हूं, मीडिया की भी सक्रियता होती तो ये नहीं होता। हर जगह से लापरवाही हो रही है साहब, मुश्किल तो यही है। हर जगह से लापरवाही हुई है इस मामले में, सरकार से, समाज से, सिस्टम से, मीडिया से, कौन लापरवाह नहीं था? सब देख रहे थे वहां क्या हो रहा है, सब खामोश थे साहब। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप लोगों से कह रहा हूं मैं, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के साथ हो या कि आदमखोर हो। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। किशोर मालवीय जी आपके पास आएंगे। सिंह साहब से एक सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से, महिला एवं कल्याण विभाग जो बनाया महिला एवं बाल विकास विभाग, इनका काम ही है इस तरह के शेल्टर पर नजर रखना। इनके पास कोई अतिरिक्त जिम्मेवारियां नहीं दी गई है, ये महिला और बच्चों से संबंधित जो मामले हैं उनको देखते हैं। और उनका उनकी मुखिया है, मंत्री को अगर छोड़ दें तो उनकी मुखिया है सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जवाबदेही नहीं बनती है? और अगर थोड़ी भी जवाबदेही बनती है, मान लीजिए 5% भी जवाबदेही, 1% भी जवाबदेही बनती है, तो आपने उनको जांच करने को कैसे कह दिया? क्या महिला कल्याण विभाग की सचिव कभी ये रिपोर्ट देगी कि हमारे विभाग से ये गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, ये कैसे आपने कर दिया? दूसरा, आपने सुबह से ये क्यों नहीं बताया कि जो डीएम है जिनका तबादला आपने किया उनको कहां भेजा? आप तब से कह रहे हैं, तालियां बटोर रहे हैं कि हमने हटा दिया,
हटा देने का क्या मतलब है? आपने उनको डिसमिस कर दिया, आपने उनको सस्पेंड किया, या आपने कहीं उनको तबादला किया? तो कहां किया? आप इसको छिपा क्यों रहे हैं? ये सब बातें जो है इससे लोगों को आप पर शक हो रहा है, इसको क्लियर कीजिए। देखिए ये सारे फैसले तो नौकरशाही भी लेती है, ये तय करती है कि किसको किस तरह का, क्योंकि पूजनीय योगी जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि इन अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो एक स्पेसिफिकेशन है ब्यूरोक्रेसी में, उसको ये कड़ा फैसला लेना होता है कि कौन अमुक व्यक्ति इसकी जांच करेगा। लेकिन ये निश्चित तौर से ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात हुई कि रेणुका कुमार को जो ये जांच दी गई, उन्हें ये कतई जांच दी जानी नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आप जो कह रहे हैं ये नौकरशाही का काम है, मुख्यमंत्री के आदेश पे ऑर्डर का आदेश हुआ है, मुख्यमंत्री ने दो सदस्यीय समिति का गठन करके उनको कहा है कि जांच कराए, ये मुख्यमंत्री की शक्ति की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी अफसर ने ये नाम तय कर दिया और अफसर ने जांच के आदेश दिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि बहुत साफ है कि पूजनीय योगी जी के निर्देश पर ही ये कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी बनाते समय ये ऊपर से तय होता कि कौन सा अमुक अफसर जाकर इसकी अफसरों की तरफ से जांच करेगा। अगर हम इसको मंत्रियों को भेजते या पार्टी विधायक दल का एक गठन करके उनको भेजती जांच के लिए, लेकिन जब इस तरह के फैसले होते, मैं समझता हूं इससे बेहतर इलोबरेट कैप्टन द्विवेदी करेंगे और बताएंगे कि इसमें जो स्टेटिफिकेशन है ब्यूरोक्रेसी का, वो बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। द्विवेदी और रही कार्रवाई की बात, तो ये 100% तय किया पूजनीय योगी जी ने कि ऐसे अफसरों को फील्ड में कतई नहीं भेजा जाएगा जो लापरवाह है, जिनके वजह से इस तरह की बर्बरता हुई, जो इसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह का बयान के बाद सर, कैप्टन द्विवेदी आप बताइए कैसे इंक्वायरी सेटअप होती है? देखिए, इंक्वायरी सेटअप होने के दो प्रोसीजर्स होते हैं। ये जो हुई है वो इमरजेंट इंक्वायरी इसको कहते हैं। इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया जाता है, जो मुख्य हमारे मुखिया होते हैं ब्यूरोक्रेसी के उत्तर प्रदेश के, और उनसे ये कहा जाता है कि एक ये जांच समिति गठित होनी है। कौन कहता है? इसका तत्काल जो है प्रारूप बना के एक निश्चित प्रारूप में। सर, उनको कौन कहता है? चीफ सेक्रेटरी को कौन कहता है? चीफ मिनिस्टर ने कहा होगा, ये चीफ मिनिस्टर के लेवल पे हुआ है। ठीक, और उसके बाद से वो जांच समिति बनती है। ये प्रश्न बड़ा वाजिब है कि जिस विभाग का इसमें संलिप्तता पाई जा रही है, उसी विभाग के प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव को उस जांच कमेटी को हेड करने को दे दिया गया है, जैसा कि आपके यहां से ऑब्जर्वेशन में निकल के आ रहा है। ये निश्चित रूप से देखने की जरूरत है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए शासन के द्वारा। मतलब गब्बर ये जांच करके बताएगा कि सांभा डाकू है कि नहीं। हाँ, निष्पक्षता तभी आएगी। और इसके लिए बेहतर यह होता कि एक एसआईटी का गठन किया जाता, और मैं तो यह समझता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आवश्यक है। आईपी सिंह साहब बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमसे सहमत होंगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए आवश्यक था कि ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ अगर कोई बढ़िया एक्सपर्ट मिल जाता, साइकोलॉजिकल या समाज सेवी, तो उसको भी रखा जाना चाहिए था, ताकि जो लेफ्टिस्ट ब्यूरोक्रेसी ने किए हैं तब तो भेद खुल जाता, हो सके उसका भी पता लग सके। भेद खोलना ही होता तो फिर उन्हीं को क्यों जांच का जिम्मा दिया जाता? गब्बर सिंह ही जांच करके बताएगा कि सांभा डाकू है कि नहीं है। जगदेव सिंह यादव जी आपके पास आ रहे हैं सर, मतलब पूरी तैयारी है कि जो व्हाइट कॉलर लोग हैं उनको बचा लेना है। असिराज जी, निश्चित रूप से यही है। इसमें अगर वास्तव में ईमानदारी जांच हो या जुडिशरी जांच हो या सीबीआई जांच हो, तो सारा मामला खुल जाएगा। इसमें वहां के बड़े बड़े जो सांसद, मिनिस्टर, एमएलए, वो तक उनका जो वाइट कॉलर इन्वॉल्व है, एक साल से जब ये समिति भंग हो गई थी, उसके बाद भी लगातार चल रही है। ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े जोर शोर चलाते हैं, ये किया जाए, वो किया जाएगा, और जब कार्रवाई करने का मामला आता है तब तो आप देखते हैं कैसे निर्णय होते हैं। उस डीएम जो कहता था आप मुझे करने नहीं दे रही थी, उसको खाली हटाया गया है। ऐसे तो बर्खास्त किया जाना चाहिए था,
ये खाली गाल बजाते हैं कि काली पोत दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने देखा क्यों नहीं देखा कुलदीप सेंगर के देखा जब एक साल से बलात्कार हो रहा था, उस वक्त कमजोर में आसमान से रख लिया होता कि ना आज ये भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए जगदेव जी, मोदी जी है जगदेव जी के नाक के नीचे हो रहा है, देवरिया बगल में है जगदेव जी, कलराज मिश्रा बड़े बड़े नेताओं संसद प्राप्त है। नहीं, कलराज मिश्रा साहब भी कभी विजिट करने नहीं गए, अपने मंत्रालय को उन्होंने नहीं बताया। बहुड़ा जी है देश भर के सांसदों से शिकायत है, चाहे किसी पार्टी को हटना चाहिए जनता है, महाराजा नहीं चाहिए। 1995 में ये अपनी अपनी कमजोरी देश बढ़ाने के लिए जो विधेयक बनाने का काम करते हैं, इससे ज्यादा मंत्री हो नहीं सकता। किसी शोर शराबे में खुशियां भी कहीं फांसी पर नहीं चढ़ाने यादव जी करते हैं, काम करते हैं, भाषण देने काम को ठीक है। ठीक है जगदेव जी सवाल ले लीजिए साहब। आई पी सिंह जी रुक जाइए, जगदेव जी से कुछ पूछना है। देखिए, इसी तरह के शोर शराबे में उन बेटियों की सिसकियां दबा दी जाती हैं। ये शोर शराबा यूं ही नहीं होता है साहब, ये जानबूझ के किया जाता है कि उनकी चीख उनकी सिसकियां किसी को सुनाई न दे और धंधा चलता रहे सबका। यूं ही नहीं होता है शोर शराबा। जगदेव जी, आप चूंकि वकील हैं इसलिए पूछ रहा हूं, पॉक्सो एक्ट के तहत क्या वहां के डीएम और डीपीओ को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता? निश्चित रूप से आरोपी बनाना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए और तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सस्पेंशन काफी नहीं है, इतना जानना और जब तक जनता वास्तव में आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ठीक, इतनी बड़ी हादसा आ गई आपकी बात पर, इतना ही जानना था, कानूनी पक्ष जानना था, आ गई आपकी बात। उसी सेक्रेटरी को आप जवाब दे रहे हैं। हाँ, क्या है ये ठंडे बस्ते में डालने का काम है? तमाम मामले में सब ठंडे बस्ते में चले गए, आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ये ठंडा करने का है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है कि सफेद सफेद कालक जांच में आ जाएंगे, कल ही खुल जाए कौन कौन लोग हैं। ये मुख्यमंत्री करना चाहिए, वास्तव में ईमानदार जनता पर जवाब दे। ओमकारनाथ सिंह जी के पास आ रहे हैं। ओमकारनाथ सिंह जी, क्या एक चरित्र नहीं हम लोगों ने डेवलप कर लिया है राजनीति का, और राजनीति ने वही चरित्र फिर इधर दे दिया समाज को भी, कि जब गरीब भूख से ऐठे तो इतना शोर कर दो कि कोई सुने नहीं, जब बेटियां सिसक रही हों गैंग रेप और रेप से तो इतना शोर मचा दो कि इनकी सिसकियां कोई सुने ही नहीं, ये चीख ये सिसकियां ये हमारे शोर में कहीं दब के रह जाए। क्या हमने इस तरह का एक कैरेक्टर नहीं डेवलप कर लिया पूरे देश में? बिल्कुल कर लिया है। जब भी कोई इम्पोर्टेंट इशू होता है तो ऐसे ही लोग हल्ला करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने इतनी पूरी बहस में एक चीज आपने नोटिस की, किसी को भी वो तजुर्बा नहीं था जो इंस्पेक्शन करने के लिए आदेश देने चाहिए, न तो मुख्यमंत्री जी को और न ही चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री जी की गंभीरता को समझने का प्रयास किया। आप महिला कल्याण के प्रमुख सचिव को भेज रहे हैं, भले ही वो अपर मुख्य सचिव हों, उसका कोई मतलब नहीं है, उनको भेज रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो अपना बहुत करेंगे तो अपने विभाग का मुआयना करेंगे और उसको देखेंगे। भेजना चाहिए तो वहां पे होम सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी डीएम और एसपी दोनों को कंट्रोल करता है, वो उस पहलू को भी देखता, इनको भेजना था इनको भी भेज देते, ये अपने डिपार्टमेंट को देखती। हम नहीं मानते हैं कि उनका ही, मान लीजिए क्या कहते हैं, बहुत बड़ा हक होगा कि वही गड़बड़ कर रही होंगे बचाने जाएंगे, ऐसा भी हम नहीं मान के चलते हैं। उनको मौका दे दिया तो दे दिया, लेकिन साथ में होम सेक्रेटरी को भेजना चाहिए था और एक पुलिस का ऑफिसर साथ में होना चाहिए था, सीनियर डीजी रैंक का ऑफिसर जो भी जाता, ये तीन लोग जाके वहां पर देखते और सब लोग अपने अपने विभाग के हिसाब से हर चीजों को चेक करते, तो निश्चित रूप से अगर ईमानदारी साथ करते तो कुछ न कुछ उसमें रिजल्ट निकल के आता।
डीएम को सिर्फ ट्रांसफर करने का मतलब यह है कि डीएम को बचाने का पहले से ही काम कर लिया गया। अगर डीएम को सस्पेंड करके उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप कर दी जाती कि क्यों उन्होंने 24 इश्यूज को जो नोटिस इश्यूज हुई थी उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया, जब वहां गए और वहां से खाली हाथ क्यों वापस आ गए, इन सब चीजों पर बहुत गहरी गंभीरता से विचार करना चाहिए था। पुलिस क्या कर रही थी, एसपी क्या कर रहे थे वहां पे, स्टेशन ऑफिसर क्या कर रहा था वहां पे, क्या ये सारी चीजें लोगों को मालूम नहीं थी वहां क्या हो रहा है? किशोर जी, ये सब कुछ दिखाता है कि इसको लीपापोती करने का एक प्रयास है, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में एक्शन लेने की चीज तो रही नहीं गई है। ये एक्शन किसकी लेते हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रही है उसके एक्शन ले लेंगे, नौकरी न लगने पर बच्चों की। ठीक किशोर मालवीय जी, चीजों के करते हैं क्या हमने पॉक्सो इसलिए बनाया, सही कोई चीज हो और जिससे जनता में भय हो। ठीक, क्या हमने पॉक्सो इसलिए बनाया कि रेप, गैंग रेप, लड़कियों का शोषण, इसका अधिकार सिर्फ व्हाइट कॉलर लोग को हो, मतलब आवाम को न हो? देखिए, कानून पहले से भी कम नहीं रहे, कानून पहले भी बहुत थे, नए नए कानून बन रहे हैं, कानून अपडेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल कानून का नहीं है, कानून की कमी नहीं है, यहाँ सवाल है प्रिवेंशन का और इम्प्लीमेंटेशन का। आप देखिए इस मामले में, ये इतना बड़ा मामला है, इसको इतने हल्के से लिया गया है, आपने सुबह से एक भी बयान सुना जिसमें ये कहा गया हो, ये बताने की कोशिश की गई हो कि अब तक पूछताछ से ये पता चला कि ये लड़कियां फला नेता या फला अफसर या फला अमुक वीआईपी के यहां भेजी जाती थी, आपने सुना? सबको पता है, बयान लड़की ने बयान दिया कि सफेद गाड़ी आती थी, ब्लैक कार आती थी। क्या अभी तक ये जानने की कोशिश की गई है? क्या महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव ये जांच करेंगी कि गाड़ियां किनकी आती थी, कौन आता, कौन? 18 लड़कियां जो गायब है वो भी नहीं पता चला। नहीं, वो तो आज उससे गलत बयानबाजी हो रही है, उस पर तो एक बयान आ गया, 18 थी नहीं 24 थी, उस पर बयान आ गया कि 18 लड़कियां गायब नहीं थी, 24 लड़कियां थी, पर मैं तो 24 की बात कर रहा हूँ, 24 की बात कर रहा हूँ। आपने अभी तक ये जानने की, आपने इस पक्ष पे जोर ही नहीं दिया कि वो लड़कियां कहाँ भेजी जाती थी, कौन थे वो लोग, क्या इसकी छानबीन हो सकेगी निष्पक्ष तरीके जिस तरह से आप कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता गाड़ियां आती थी लखनऊ, वो कहाँ भेजी जाती थी, लखनऊ लाई जाती थी, गोरखपुर भेजी जाती थी या दिल्ली भेजी जाती थी, ये भी बताइए कहाँ भेजी जाती थी, कौन थे वो लोग, कौन वो राक्षस थे? आईपी सिंह जी, क्या इसका खुलासा नहीं होना चाहिए? क्या पब्लिक डोमेन में नाम नहीं जाना चाहिए कि हाँ फला है वो भ्रष्ट जो इन बेटियों को बुलाता था अपनी कोठियों पर? वो अभी से लीपापोती कर रहे हैं, आईपी सिंह नहीं थी। देखिए असित जी, तो साफ मालूम हो रहा है लीपापोती करके बचाने, आईपी सिंह जी को सरकार किसी को भी बचाने का कोई प्रयास नहीं करेगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ न्यायपालिका को साक्षी मानकर ये कार्रवाई करेगी, उन्हें फांसी की सजा दी जाए, जितनी बड़ी से बड़ी इंक्वायरी की आवश्यकता होगी वो सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। ये कतई बचाने का प्रयास नहीं होगा कि किस राजनीतिक दल के किसका संरक्षण उन्हें प्राप्त है, किन उद्योगपतियों का संरक्षण प्राप्त है, कहां का, लेकिन ये बातें इन्वेस्टिगेशन में सारी आएंगी। मैं तो ये भी मांग करता हूं आपके समाचार प्लस के माध्यम से, मांग करता हूं कि जो पति पत्नी इसको चला रहे थे इस एनजीओ के माध्यम से, उनकी नार्को टेस्ट से उसमें तमाम बातें खुलकर आएंगी, इसमें बचाने का सवाल ही नहीं है। मैं तो विपक्ष से अपील करता हूं करे कि जब से इस तरह के सेंटर होम चल रहे थे कि ये कार्रवाई कब से चल रही थी, कौन कौन से ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो समर्थन देते आ रहे थे, सबकी जांच होनी चाहिए। सिंह साहब आज खुला हो सकता है, सिंह साहब इसकी जड़ें जा रही हो, ये मामला पहले से दबा के रखा गया हो, न्यायपालिका में उलझा के रखा गया हो, लखनऊ के कुछ अफसरों का समर्थन प्राप्त है, जब जांच होगी तो सारे मामले आईपी सिंह जी आएंगे और इन बेटियों को करे कौन आईपी सिंह जी जिम्मेदार करिए ना, कौन रोकता है आपको? आईपी सिंह जी, आप जितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आपकी कार्यवाही में वो दिख नहीं रहा आज जो हुआ है। आपने इतनी लचर जांच की व्यवस्था की है, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो कार्यवाही में भी दिखनी चाहिए। आपने इतनी लचर जांच की व्यवस्था की है कि वो सब ये जांच कर ही नहीं सकते। आप अभी जुडिशियल इंक्वायरी घोषित करिए, देखिए सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी श्री द्विवेदी जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि इमरजेंट अगर कोई मामला आता है तो चीफ सेक्रेटरी, वो सब ये जांच कर ही नहीं सकते। आप अभी जुडिशियल इंक्वायरी घोषित करिए, देखिए सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी श्री द्विवेदी जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि इमरजेंट अगर कोई मामला आता है तो चीफ सेक्रेटरी और
मुख्यमंत्री की सहमति से उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये फाइनल नहीं मान लिया जाएगा। ये जो कमेटी रिपोर्ट देगी यही सच होगा, उसको हर दायरे में कसकर जांच की जाएगी, जो जो भी दोषी होंगे। मैं आदरणीय किशोर जी और आदरणीय असित जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी तरह की कोई लापरवाही होगी तो अगले किसी भी कार्यक्रम में मुझे चौंकिएगा। हम सब ईमानदारी से उसको देख रहे हैं और जो भी दोषी होंगे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के पूजनीय योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। ये न्याय मिलना चाहिए बच्चियों को, न्याय मिलना चाहिए मां बहनों को। ये विषय बहुत गंभीर है। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि सभी मतभेद बुलाकर इस तरह की जहां भी कुछ बातें हैं जो श्रीमती मेनका गांधी जी ने नैतिकता के आधार पर मां बहनों को लेकर केंद्र बिंदु बनाकर जो सुझाव दिए हैं उस पर सोचने का विषय है। उन्हें दूर से नहीं, दुत्कार कर नहीं, उन्हें संरक्षण मिले तो पूरे जहां को पता होना चाहिए कि ये सदस्य जहां भी जिस संरक्षित होम में रहते हैं उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। पारदर्शिता के साथ जांच कराइए, विपक्ष साथ में है, ईमानदारी से है। देखिए आईपी सिंह जी, यहाँ जो लोग भी बैठे हैं ना, चाहे वो मुख्यमंत्री नाराज है, ओमकार नाथ सिंह जी हो, कह रहे हैं बहुत गलत हुआ है, जगदेव जी हो, द्विवेदी जी हो, किशोर मालवीय जी हो, मैं हूँ। सुनिए आईपी सिंह जी, आपके विचार हमारा आपका जीवन सिर्फ इस टीवी डिबेट तक नहीं है। जब हम अपने घर में जाएंगे ना, यहाँ से लौट के आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, ये तमाम लोग जाएंगे, द्विवेदी जी भी जाएंगे, शुरुआत में ही कहा हम सबको अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपनी भतीजी से आंखें मिलानी होंगी। साहब आंखें तो मिलानी होंगी। अब ये हमें तय करना है कि हम जब जाएं तो अपनी बेटी से गर्व के साथ आंखें मिलाएं या हम जाएं तो शर्म के साथ आंखें मिलाएं। हम जाएं तो हमारी बेटी को बहन को हम पर गर्व हो या हम जाएं तो हमारी बेटी और बहन को हम पर शर्म आए, भले वो कहे ना कहे। ये तो हमें आपको तय करना है साहब। एस के द्विवेदी जी आपके पास आ रहे हैं। सर मैं मानता हूं कि डीएम की संलिप्तता नहीं होगी, डीएम ने लापरवाही की, चिट्ठियां आती रहीं, नोटिसें आती रहीं, डीएम साहब लोगों को फुर्सत नहीं होती, नहीं देख पाते होंगे, ठेंगे पर लेके चल रहे हैं सिस्टम डीएम साहब। लेकिन वो शेल्टर होम में जाते नहीं होंगे, वहां की लड़कियां उनके पास आती नहीं होंगी, उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है डीएम साहब को पता नहीं होगा, ये मैं मानता हूं। ये मानता हूं कि उनकी जानकारी में एक कुकांड नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि लोकल थानेदार को भी पता नहीं होगा? ये है संभव? देखिए हम लोगों को बड़ा लंबा अनुभव है। डीपीओ को नहीं पता होगा, डीपीओ को नहीं पता होगा, ये कैसे मान ले सर? ये बिल्कुल नहीं मानने की बात है। और मैं तो जिलाधिकारी के लिए भी कहूंगा कि अगर ऐसा व्यक्ति है जिसमें लीडरशिप की ये क्षमता नहीं है तो ही इज नॉट फिट टू बी ए कलेक्टर। मैं रात के 11 बजे, इलाहाबाद का रिकॉर्ड है, श्री अनुग्रह नारायण सिंह उस समय पहली बार विधायक हुए थे, रात के 11 बजे 3 बार हमारे जूनियर अधिकारी गए, मैं एडीएम सिटी इलाहाबाद था, शेल्टर होम की जो महिला संचालिका इंचार्ज थी उनका सस्पेंशन ऑर्डर था शासन से, और वो जब जाता था तो वो निकाल के दौड़ा लेती थी, बड़ी पावरफुल थी उस जमाने में, महिला पुलिस 2 जन सेविकाओं को लेकर के रात के 11 बजे सस्पेंशन ऑर्डर सर्व किया था और 12 बजे रात को उस शेल्टर होम का चार्ज टेक ओवर करा दिया था दूसरी महिला को। ये हम में हिम्मत होनी चाहिए। हम इस बात के लिए नहीं है कि हम कलेक्टर बने रहेंगे, लेकिन अगर कलेक्टर रहेंगे तो पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, पूरी निष्ठा से काम करेंगे, जिसके लिए हमने कसम खाई हुई है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी यंग जनरेशन जो इस समय आई हुई है वो व्यक्तिगत स्वार्थ या ये कह लें अनुभव की कमी, मुझे कष्ट है इस बात का कि आज हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमारा छोटा भाई इस प्रकार का गलती कर गया। लेकिन अगर गलती किया तो ही शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आज जरूरत इस बात की है, मैं आईपी सिंह साहब से बड़ी विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा, और शासन का अगर कोई नुमाइंदा इस बात डिबेट को सुन रहा हो या रिकॉर्ड कर रहा हो तो नोट कर ले, आज रात में ही जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो जानी चाहिए। कोई सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति जो अनुभवी हो और उनके सहयोग के लिए जो नेसेसरी स्टाफ लगा के, ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठा सके। बताइए आईपी सिंह, व्यक्ति इसके लिए दोषी है आईपी सिंह जी, क्या सरकार जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करेगी? अगर नहीं कर रही है तो क्या अभी जो इंक्वायरी सेटअप की गई है वो व्हाइट कॉलर दोषियों को, पापियों को बचाने के लिए की गई है? बताइए, इसीलिए स्टेज में जुडिशियल इंक्वायरी का आर्डर होना चाहिए। आईपी सिंह जी, जो गलत हुआ नहीं हुआ? आईपी सिंह जी आप नहीं सुन पा रहे हैं क्या?
नहीं नहीं असित जी, ये प्रश्न मुझसे है क्या? हाँ आप ही से था। नहीं नहीं, बात हमने शुरू में ही कहा कि जब ये मामला संज्ञान में आया तो जो बेहतर हो सकता था वो सरकार ने नहीं फैसले लिए। आप जिसे बेहतर बता रहे हैं पब्लिक को उसी पर डाउट है। जांच की ये बेहतर हो सकता है। एक मिनट जगदेव जी, आप जिसे बेहतर बता रहे हैं आईपी सिंह जी, पब्लिक को उसी पर तो डाउट है। लेकिन कैप्टन भटकाने का प्रयास है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे सुझाव है, नौकरशाही उसको गंभीरता से लेगी। पूजनी योगी सरकार को गंभीरता से लेना है साहब, पब्लिक ने सरकार को चुना है नौकरशाही को नहीं। पब्लिक को सरकार से जवाब चाहिए होता है, नौकरशाही से नहीं। सरकार का काम है वो बताइए। देखिए अगर सीएम के आदेश देखेंगे तो 3 अगस्त को हो गए थे, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। तो सीएम के आदेश, लेकिन उसके बाद जो एक्सक्यूजन हुआ क्या, धीरे स्तर पर जो होना चाहिए, सीएम या कलेक्टर करके आया कोई हर जो क्या परिणाम हुआ 75 जिले में लगातार सीएम जा रहे हैं, क्या देख क्या है वहाँ? अरे भाई जनता के लिए क्या किया उन्होंने? यादव जी, आप 15 सालों में आपके 2 मुख्यमंत्री हुए, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के जरा किशोर मालवीय जी के जाने का असर होता जी, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री देवरिया में जाके उसको पकड़ लिए होते, अगर उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन होती। ठीक, किशोर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। एक चौधरी चरण सिंह का जमाना रहा, नौकरशाही 70 काटती थी, चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आदेश के बाद 70 काटती थी। कौन से मुख्यमंत्री है? इतना लचकदारी का कार्यकाल अच्छा रहा, अखिलेश तो उससे अच्छा रहा, सारे लोग याद करते हैं। भी आज किशोर मालवीय जी, पूरी चर्चा के बाद देखिए, बड़ी अदब के साथ, माफी के साथ मैं सबसे कहना चाह रहा हूं साहब, इन बेटियों के गुनाहगार हम सब हैं। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम बेदाग हैं। हम सब हैं इन बेटियों के गुनाहगार। ठीक है, आज योगी जी की सरकार है, सरकार से ही सवाल पूछेंगे, हमें संदेह है इस इंक्वायरी कमेटी पर, लेकिन ये शेल्टर होम पिछले 2.5-3 सालों से नहीं चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं। पहले भी किसी ने कोई निगरानी का तंत्र विकसित नहीं किया। यह सच है कि ये बेटियां आज से शोषण का शिकार नहीं हो रही हैं। 2005 का वाकया मुझे याद है, मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में एक थाने में था, 14 साल की लड़की पारिवारिक झगड़े में पकड़ के आ गई थी, घर में आपसी विवाद में चाचा वाचा पर हमला हो गया था, कुल्हाड़ी वगैरह से, लड़की का भी नाम था, और वो दारोगा चाह रहा था कि इस केस से लड़की का नाम हट जाए, और वो पत्रकारों से अनुरोध कर रहा था कि आप लोग साहब से कहिए, एसपी साहब से, इसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दें, नहीं तो इसे किसी शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। और एक बार शेल्टर होम में चली गई साहब 15 दिन के लिए, तो 15 दिन में कम से कम 45 लोगों के बिस्तर पर इसे जाना पड़ेगा। 2005 में तो योगी मोदी नहीं थे साहब, इसलिए हम सब गुनाहगार हैं। किशोर मालवीय जी, आपने सही कहा, देखिए इसमें किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार का कोई दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष है, और वो सिस्टम किसी भी, कोई भी दल हो सत्ता में बैठा हुआ, वो सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता है, वो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से चलता है। ब्यूरोक्रेट्स 2-4 चुने हुए ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो बताते हैं उनको, उसके हिसाब से वो चलते हैं। अब इस मामले को ही लीजिए या किसी भी घटना को लीजिए, जब भी कोई घटना होती है तो विपक्ष और सरकार, जो भी सत्ताधारी पक्ष है, उसके बीच में तू तू मैं चलती है, जैसे आज आपने देखा, असली बात दब जाती है और उसके बाद एक इंक्वायरी गठित होती है, एक लचर इंक्वायरी गठित होती है, और उस लचर इंक्वायरी की जांच चलती रहती है, जनता भूल जाती है, फिर कोई दूसरा कांड हो जाता है, फिर उस पर बहस शुरू होती है नए सिरे से, फिर तीसरा कांड होता है। सर यही चलता है, यही खेल हो रहा है इस देश में, और ये जब तक इस तरह का खेल होता रहेगा सिस्टम में सुधार नहीं हो सकता है। आपको इस सिस्टम को सुधारना है तो आपको सख्ती से पेश आना होगा, जैसा कि आज आईपी सिंह जी कह रहे हैं, वैसा अगर करके दिखाएं तो भी कुछ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी, जगदेव यादव जी, ओमकार नाथ सिंह जी, कैप्टन एसके द्विवेदी जी और किशोर मालवीय जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन तमाम बेटियों से अनुरोध है, उन तमाम बहनों से, माओं से अनुरोध है,
जिनके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है या जिनकी जानकारी में ऐसी कोई घटना हो रही है, आप जबान खोलिए, आप बोलिए, क्योंकि पौरुष चूक गया है। ये सिर्फ बस इतना इंच छाती, इतने इंच का सीना, ये कहने में व्यस्त है, मत किसी झांसे में आइए। ये पौरुष चूक गया है, आप आगे आइए, आप बोलिए, चीखिए, आपकी आवाज हिला के रख देगी सबको। इस जंग खाए सिस्टम को झकझोर दीजिए, आगे नहीं आइएगा तो सिर्फ एक लक्ष्मी बाई तक इतिहास के पन्नों में एक कैरेक्टर सिमट के रह जाएगा, उसके बाद भी तो लक्ष्मी बाइयों की जरूरत है ना। आइए ना सामने। नमस्कार।